फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अनुपूर्णा किचन में। आज हम बिना मेहनत के आलू और प्याज के ऐसा टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जिसे आप बिना अचार, सब्जी या चटनी के भी खा सकते हैं, जिसमें आपको आलू और प्याज की कचौड़ी समोसे दोनों का स्वाद मिलेगा। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर के जार में ये एक चम्मच जीरा डाल देंगे, इसी में एक चम्मच सौंफ डाल देंगे, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं। लहसुन की कली के बाद में ये 2 हरी मिर्च हैं जिन्हें हमने बारीक काट लिया है, और ये 1 से 2 छोटे प्याज थे जिनको रफली काट लिया है हमने, ये भी इसी में डाल देंगे। प्याज के बाद में ये एक आलू जिसको हमने छील कर और टुकड़ों में काट लिया है, ये एक ही आलू लिया है। अब इन सभी को हम पहले अच्छे से पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया, अगर आपका ना पीसे तो आप थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। देखिए अब इसको हमें बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। ये हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे थोड़ी सी हींग पिंच भर, और मसाले में 1 चम्मच धनिया पाउडर, पिंच भर हल्दी कलर के लिए, जीरा पाउडर, ये थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप अमचूर भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसको हमने हाथ से क्रश कर लिया है, चिली फ्लेक्स, नमक, नमक टेस्ट के अनुसार डाल जिस हिसाब से भी आपको पूरी बनानी है, और इसी में थोड़ी सी ये सफ़ेद तिल क्रंच के लिए, और थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन अच्छी होती है पेट के लिए इसलिए ज़रूर डालें। और ये हमारी पूरी खस्ता बने, क्रिस्पी बने, उसके लिए 2 से 3 चम्मच सूजी, इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। सभी को अच्छे से मिला लिया, 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। 5 से 10 मिनट हो गए, अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे जिससे हमारा नाश्ता बिल्कुल खस्ता बनेगा। मिला लेंगे ऑयल को, ऑयल को अच्छे से मिला लें। अब मैंने तेल को मिला लिया, अब इसमें हम डालेंगे ये सूखा आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिलाते जाएंगे। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, आलू और प्याज के मिश्रण से ही हम आटा लगाएंगे, हमें रोटी से थोड़ा सख्त आटा लगाना है। मिला लिया, अब इसी को हम आटे की तरह गूंथ लेंगे, हमें रोटी से थोड़ा कड़क आटा लगाना है जो हम रोटी का लगाते हैं। ये आटा लगा लिया हमने, देखिए ना ज़्यादा नरम है ना कड़क है। अब इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। हो गए हैं 10 मिनट, अब आटे को हम अच्छे से एक बार नीट करेंगे। जितने अच्छे से आप आटे को नीट करेंगे उतने ही आपका नाश्ता टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें से नींबू के आकर की छोटी छोटी बोल जैसी निकाल लेंगे, जितने साइज की आपको निकालनी है, और इन्हें इतनी बड़ी बड़ी निकाल लेंगे और इन्हें ऐसे रोल कर लेंगे। ऐसे ही हम पहले सारी लोइयाँ बना के रख लेंगे। ये सारी लोइयाँ बना ली, इन पर हम ऑयल डाल देंगे जिससे कि ये आपस में चिपकेंगी नहीं, और अब हम इनको बेलेंगे। अब एक लोई लेंगे और उसको हम बेलेंगे, ऐसे ही सारी पूरी बेल लेंगे और एक तरफ ऑयल को गर्म होने रख देंगे। ये हमने 3 से 4 पूरियाँ बेल ली हैं, ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम ये डाल देंगे। देखिए पूरी फूल चुकी है, इसको पलट देंगे और उधर से भी अच्छा कलर आने तक कर लेंगे। देखिए कितनी फूली फूली पूरियाँ बनी हैं, ये हमारा नाश्ता बनके एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब